माय मीमोज किचन, तो हैप्पी जन्माष्टमी इन एडवांस। जन्माष्टमी के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर कतरी, जो बहुत ही टेस्टी यम्मी बनेगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये गोंद, और इसको मैंने सुखा लिया था, तो ये बहुत अच्छे से जल्दी से फ्राई हो जाएगा। इधर मैंने लिए हैं बादाम, इधर लिए हैं काजू, और ये लिया है मैंने कोला बुरादा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई को हम गर्म होने देंगे, इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। और सबसे पहले मैं डालूँगी इस कोले का बुरादा, और इसको हम भून लेंगे, हल्का सा भूनेंगे बस। देख सकते हैं कोले के बुरादे का कलर चेंज हो गया है और एक बहुत अच्छी सा अरोमा आ रहा है। तो अब इस कंडीशन में हम इस बुरादे को निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ऑयल, और इसी में अपने बादाम भूनूंगी, फ्राई कर लेंगे। बादाम हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो यहाँ पर मेरे काजू भी चाहिए होंगे, हम इनको भी हम निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में हम थोड़ा थोड़ा करके ये गोंद डालेंगे, और इसको हम चला चला कर भूनेंगे। ये फूल जाता है, ये देखिए आप इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फूल जाएगा ये, और एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी पनीरी जम के तैयार होती है, मेरी मम्मी बनाती थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ही शेयर करूँ। आपकी जन्माष्टमी पे कान्हा जी के भोग के लिए बनाए थे, इसी तरह से मैं सारा गोंद फ्राई कर लूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा गोंद भी भूनकर तैयार हो गया है। इसे मैंने देसी घी में ही भूना है, और जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत थोड़ा थोड़ा डालकर हमें भूनना होता है। इधर मेरे ये काजू भी भून गए हैं, और बादाम भी रोस्ट हो गए हैं, इधर गोला बुरादा भी रोस्ट हो गए हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डाला, जैसा कि आप देख सकते हैं। इससे हमारी जो पनीरी है वो बहुत खट्टा बनेगी, और इसमें मैं डाल दूँगी एक कटोरी भरकर पानी। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये देसी खांड है मेरे पास में, आपके पास चीनी है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं चाशनी बनाने के लिए। ये मैंने देसी खांड एक बाउल डाल दी है, कम ही मीठी में बनाती हूँ पंजीरी, ज़्यादा मीठी नहीं बनाती, तो इसके लिए मैंने एक कटोरी डाल दी है। और इसके हम चाशनी बनने देंगे, यानी कि इसको पकने देंगे अभी। तो हमारी इधर चाशनी बन रही है, तो जब तक हम इधर हम ड्राई फ्रूट को पीस लेते हैं, जब तक चाशनी बन रही है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये बादाम और काजू को हल्का सा पीस लूँगी। इसी में मैं क्या कर रही हूँ, ये हरी वाली इलायची मेरे पास पिसी भी नहीं है, अगर आपके पास है पाउडर तो आप पीस सकते हैं। मैं इसमें ये भी डाल दूँगी, ये भी पिस जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे काजू और बादाम और इलायची पिस चुके हैं। इलायची का जो भी छुक्कल अगर रह गया होगा तो मैं उसको निकाल दूँगी, वैसे तो शायद रहा नहीं है, मगर अगर रह गया है तो मैं उसको निकाल दूँगी। और अब मैं करूँगी इसमें गोंद, इसी जार में मैंने गोंद डाल दिया है। अब गोंद को भी हम हल्का सा पीस लेंगे। तो यहाँ पर मेरा गोंद भी पिस गया है, ये अच्छी तरह से पिस चुका है, और इधर गोला बुरादा पहले से ही है मेरे पास में। हमारी चाशनी तैयार हो गई है, बबल आ रहे हैं इसमें, और अभी तो पतली है, मैं अभी दिखाऊँगी आपको कैसे बनेगी ये चाशनी। जैसे कि मैंने बताया था कि ये काट कुछ इलायची का वो रह जाएगा, तो जैसे ये रह गया है चिकन, तो मैं इसको हटा दूँगी, और इधर भी रह गया है ये चिकन। वैसे तो मैं ज़्यादातर इसमें वो उसका जो इलायची का पाउडर होता है वो ही यूज़ करती हूँ, मगर आज मेरे पास नहीं था तो मैंने इलायची डाली है इसमें। इस तरह से मैंने सारे चिकन हटा दिया था इसका जो भी था। चाशनी हमारी बन रही है,
चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी देखते हैं हम हमारी चाशनी इस तरह से कि तार बन गया है, नहीं तो अभी तार नहीं बन रहा है। अगर इस तरह से हमारा पुराव पर तार बनेगा तभी हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चाशनी बन गई है। अब इसमें मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इसमें डालूँगी। यहाँ पर प्लेट में घी भी लगा के रख लिया है, इस पर हम जमाएंगे। इस पर हम देसी घी लगाकर प्लेट में पहले से रेडी कर लेते हैं और एकदम ही डालना होता है हमें ये। तो सब मैंने मिक्स करके रख लिया है और अच्छा सा टेस्ट देने के लिए यहाँ पर मैं डाल लेंगी थोड़ा सा खोया। खोए से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। इस तरह से मैंने चाशनी में डाल दिया, इसको जल्दी से हम प्लेट पर जमा दें। अब इसको हमने इस तरह से जमा दिया है, इसको हम जल्दी से जमाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कढ़ाई में से निकाल के फौरन जमा देते हैं। इस पे आप चांदी का बल्ब भी लगा सकते हैं इस टाइम पे, बट मैंने, मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं लगाया है। और इसको हम अब ऐसे जमा कर छोड़ देंगे एक दो घंटे के लिए, फिर ये बिल्कुल एकदम टाइट हो जाएगी। तब हम उससे पहले, जैसे टाइट होगी उससे पहले हम इसको पीसेस में कट कर देंगे। किसी भी शेप में आप कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी बनकर तैयार हो गई है और मैंने इसमें कट भी लगा दिए हैं। इस तरह से पीसेस ये कट कर दिया है, ये इससे कर दिया था मैंने पिज़्ज़ा कटर से, आप चाकू से भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने पीसेस कट कर लिए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे ऐसे करके, एक एक करके निकाल लूँगी मैं। ये अपने आप ही निकल जाएगी, बिल्कुल अच्छे से जमकर तैयार हो गई है। तो आप जन्माष्टमी पर इस तरह से भोग के लिए पंजीरी बनाइएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी पंजीरी हमारी और गोंद, और जैसा कि मैंने बताया था सारे ड्राई फ्रूट्स की बनकर तैयार है। हमारे कान्हा जी भी कितने सुंदर से लग रहे हैं, इनके लिए भोग तैयार है बिल्कुल। तो देखिए आप, तो इस तरह से आप भी जन्माष्टमी पे पंजीरी जमाइए ड्राई फ्रूट्स की। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मिलती हूँ मैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी जन्माष्टमी इन एडवांस।